वैसे तो अभी सुबह के 7 ही बज रहे हैं, लेकिन जो हवा में ठंडक है वो बढ़ चुकी है, बिकॉज़ ठंडों का मौसम आ गया है, एंड हेंस कोहरा भी बहुत ज़्यादा घना छा गया है। एंड इसी हालत में आज मुझे एक काम दिया गया है जो कि है क्रूड ऑयल का। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली ये हेजमेट वन है, इसे हम लोग कोहरे में ले जाने वाले हैं। एंड यस आई हेट दिस। चलो जो भी है, हेलो हेलो हेलो, कैसे आप सब? उम्मीद ठीक हूँ। मैं आपका होस्ट और दोस्त इवेल का स्वागत करता हूँ डेल वैली के एक और न्यू एपिसोड के साथ। जैसे मैंने आपको बताया, कोहरा छा चुका है बिकॉज ठंडों का मौसम शुरू हो गया है डेल वैली में, एंड इसी कोहरे में अपन को क्रूड ऑयल ले जाना है। एंड ये हैजमेट वन है, लॉन्ग टू ट्रेन है। तो एक आपको अगर मैं अंदाज़ा दिखाऊँ, अगर मैं लोकोमोटिव में यहाँ बैठा भी हूँ, मुझे पीछे की ट्रेन, पीछे भी क्या, जो आगे के चार पांच डब्बे वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक इशू वाली बात है, क्योंकि अगर पीछे कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मुझे मालूम तो पड़ेगा नहीं। तो ठीक है, चलो जो भी है, फटाफट से अपना काम जो है वो शुरू कर देते हैं, बिकॉज देयर इज़ नो एक्सेप्शन। ठंडक अभी ज़्यादा है, डील होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट स्टिल अपन लोग ट्राई करेंगे ASAP पहुँचाने का इसको। सबसे पहला तो यार इसको करते हैं अपन फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिडेट, एंड काम पे लग जाते हैं। B3 आउटबाउंड में अपनी ट्रेन खड़ी थी, करेक्ट, एंड अपन को ले जाना है C2 इनबाउंड में, जो कि हो जाएगा। बाकी ट्रेन की बात करूँ तो मैंने इसको ऑलरेडी चेक सब कर लिया है, बस अपन जाने के लिए अब रेडी हैं। सो अब चलते हैं सीधा, पहले तो मैं कैबिन में बैठ जाता हूँ। एंड आपने नोटिस किया होगा अगर, तो मैं आज हाई बीम चला रहा हूँ, बिकॉज वैसे तो मैं चलाता नहीं हूँ, बट आज मुझे हाई बीम चलाना पड़ रहा है। सो एक हॉन्क मारते हैं एंड अब चलते हैं। होपफुली जो ब्रेक्स हैं वो रिलीज होंगे। यप, एंड मैं ना ज़रा मेरी कैब लाइट को बंद कर दूं, बिकॉज उसकी वजह से मुझे दिख नहीं रहे हैं। निकल तो हम चुके हैं, एंड इसका जो वेट है अगर आपको बताऊं तो वो है अपना 810 टन, जो कि ठीक है। एक DH4 इसको, सॉरी नॉट DH4, एक D6 इसको खींच लेना चाहिए। बट पता नहीं, अगर कोई इशू हो गया तो फिर कुछ करना पड़ेगा, बैंकर लोकोमोटिव लगाने पड़ेंगे। अच्छा, बैंकर से याद आया, लास्ट वीडियो में मैंने बैंकर्स यूज़ किए थे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या मुझे वापस से वैसे यूज़ करना चाहिए या नहीं, बिकॉज मैंने तो बहुत इन्जॉय किया यार। आपने इन्जॉय किया तो मुझे बताना। बाकी सिग्नल्स वगैरह लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं वो मुझे पता नहीं, तो वो मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो एक बार जो अपनी ट्रेन है वो मेन लाइन पे आ जाए, उसके बाद मैं इसे दौड़ाना शुरू करूँगा। एक बात का डर मुझे और है कि ये जो कर्व है, अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो ये 3 का ग्रेडियंट है, +3 ग्रेडियंट। इसमें ट्रेन निकल जाए वो बहुत बड़ी बात होगी। बाकी मैंने फार्म वालों से तो बात कर ली है, अपना जो ट्रैक्स है वो क्लियर है, फार्म से अपन निकल जाएंगे विद नो इश्यूज। बट ये जो एरिया है ना, यहाँ पे पासिंग बहुत होती है ट्रेन्स की, एंड मुझे यहाँ रुकना नहीं है। लगा तो मुझे यहाँ रुक दो, नो इश्यूज, बट यहाँ नहीं रुकना है। सो लेट्स सी, ट्राई करेंगे जल्दी पहुँच जाए अपन। एंड यहाँ मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज अपन ने मेन ट्रैक जो है पकड़ लिया है। ये है अपना फार्म, एंड आई नो आप लोग कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ट्रस्ट मी ये फार्म चालू हो गया, एंड आई होप कि जो कोहरा है वो धीमे धीमे छटना शुरू हो जाए। बट सुबह का मौसम ही अलग होता है, नहीं? सुबह अगर एक तो ऐसी सुबह ऊपर से धुंध हो तो मज़ा अलग आता है। फार्म हम लोगों ने पार कर लिया है, एंड स्पीड हम लोगों ने अच्छी बना रखी है, एटलीस्ट 60 तक होनी चाहिए, क्योंकि जो कर्व आता है वो 50 का कर्व है, इसमें हम लोग 60 में निकाल लेंगे। बट सिंस इट्स अ +3 ग्रेडियंट, एटलीस्ट 60 स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, जो कि धीमे धीमे कम हो ही जाएगी आई नो, बिकॉज जो ग्रेडियंट है वो बहुत अग्रेसिव है। जो सिग्नल है वो लगा हुआ है, एंड अगर मैं यहाँ पे दिखाने का ट्राई करूँ तो ये है +3.3 ग्रेडियंट 50 की स्पीड में। अभी देखना जो स्पीड है मेरी कितनी रैपिडली कम होगी, देखो हो रही है ना। सो आई नीड टू मेक श्योर कि मेरी जो ट्रेन है वो पूरी ऊपर पहुंच जाए, एंड जो मेरा टेम्परेचर है वो ज़्यादा राइज ना हो। अभी होगा क्या, जो मेरा एमीटर है वो खिंचेगा, एंड जो मेरा टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो ये कर्व तो अपन ने आराम से निकाल लिया है, बट स्टिल जो हमारी स्पीड है वो स्लो हो रही है, बिकॉज जो ट्रेन है अभी तक उस कर्व पे ही है। सो आई नीड टू मेक श्योर कि मैं
डी एक्सेलरेट ना करूँ फिलहाल। एज यू कैन सी जो एमीटर है वो हल्का हल्का खिंच रहा है एंड जो अपना टेम्परेचर है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो जो तीन का ग्रेडियंट था वो अपन ने पार कर लिया है अपने पीछे ट्रेन के समेत, बट अभी यहाँ पर एक ग्रेडियंट लगा हुआ है उसकी वजह से हम लोग स्लो डाउन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके अब एक आ रहा है वाइस प्लेट, यहाँ से एक मिनट मैं दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो ये वाला जो वाइस प्लेट है ये अलग करता है फॉरेस्ट हार्बरन टाउन है उसकी लाइन को, सो वी नीड टू कीप अ लेफ्ट। होपफुली जो सिग्नल है वो ऑलरेडी लगा होगा, मुझे यहाँ पे कुछ मशक्कत करने की ज़रूरत ना पड़े। यप सिग्नल इज़ ऑन द लेफ्ट, सो वी आर गुड टू गो एंड आई थिंक सो यहाँ पे फ्लैट एरिया आ जाता है। नोप 0.6 प्लस 0.6 का एक्चुअली, दैट्स फाइन। एंड अगर आप लोग नोटिस करोगे जो कोहरा है वो धीमे धीमे छट रहा है, हल्का हल्का छट रहा है बिकॉज अब मुझे ट्रेन जो है पीछे की दिखना शुरू हो गई अपनी, दैट्स अ गुड साइन। चलो ये भी लगा हुआ है लेफ्ट पे, सो अच्छा है अपन को सिग्नल मिलते जा रहा है इतने घने कोहरे में। ओके फाइनली, अगर आपको दिख रहा है पता नहीं बट जो मेरी एंड ऑफ द ट्रेन है वो मुझे हल्की हल्की दिख रही है। एंड बाय द वे मैंने इसमें ईओटी लैंटर्न नहीं लगाई है, उसका रीज़न आपको पता ही है यार। ओके इस सिग्नल से लेना है मुझे लेफ्ट एंड स्पीड अपनी ठीक है। एंड वहीं सामने गई है अपना हार्बर एंड टाउन एंड ये कर्व थोड़ा अग्रेसिव है। ओके अपन को जाना है बी यार्ड में, राइट बी सॉरी सी टू इनबाउंड। ओके फाइन, तो अपना जो मैप है वो निकाल लेते हैं एंड हार्बर एंड टाउन जो अपना सी यार्ड है वो पड़ेगा यहाँ पे, सो वी नीड टू कीप अ लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन सी यार्ड। देयर वी गो, हार्बर एंड टाउन में अपन लोग आ चुके हैं एंड अब मैं ब्रेक्स जो हैं वो रिलीज कर सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू हार्बर एंड टाउन, एकदम सेफ एंट्री हुई हमारी बिना किसी खरोंच के। एंड जो सी यार्ड है अपना पड़ेगा आगे से राइट, यहाँ से लेना है मुझे राइट बिकॉज ये है अपना सी यार्ड। अगर आप लोग को नहीं पता तो भाई स्कीमेटिक मैप में एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सी यार्ड में जाऊँ एंड अपन को जाना है सी टू इनबाउंड राइट, तो अपन को जाना है बिल्कुल बीच में। सो देयर स्पेस, यहाँ पे स्पेस है अपन को अपने लोकोमोटिव निकालने के लिए, सो हम लोग फ्रंट अप्रोच भी कर सकते हैं विद नो इश्यूज। एंड अब मैं जो लाइट है उसे कर देता हूँ रेड, ठीक है, बिकॉज ज़रूरत नहीं है मुझे भी फुल बीम चलाने की। एंड जो कोहरा है वो काफ़ी तक छट गया, सो नो इश्यूज़। एंड जो सिग्नल्स हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, सो आई डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दिस। बाकी जो अपनी ट्रेन है वो सही सलामत आ चुकी है इतने कोहरे में भी, सी टू इनबाउंड सामने ही है। तो ये यार्ड एंडिंग का साइन है वो आ चुका है, सो आई नीड टू अप्लाई ब्रेक्स, देयर वी गो। तो ब्रेक्स मैं लगा दिए हैं, फिलहाल मैं इनको रिलीज कर देता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल पे डाल देता हूँ इसको। एंड अब चलते हैं बाहर एंड लोकोमोटिव निकालने के लिए प्लेंटी ऑफ स्पेस है तो कोई इशू नहीं है, वरना मुझे एक रिवर्स अप्रोच लेना पड़ता, बट चलो ठीक है। इसके लगाते हैं ब्रेक्स एंड लेट्स चेक द बैक ऑफ द ट्रेन। अरे आराम से, कोई इशू नहीं है, दो तीन डब्बे और आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो अपना ये काम इजी हो गया, अदरवाइज़ मुझे लगा थोड़ा और आगे लेना पड़ेगा, बट ठीक है, बहुत जगह बची यार। ओके अब चलते हैं फिर स्टेशन पे एंड जो अपनी जॉब है उसे करते हैं वैलिडेट। देयर वी गो, 23 मिनट में कंप्लीट हो चुका है अपना काम। एंड अब देख लेते हैं अपना समरी, तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ बोनस टाइम था अपना 83 मिनट्स, लेकिन अपन ने कंप्लीट कर दिया है 23 मिनट के अंदर। बेस पेमेंट $84,000 प्लस टाइम बोनस हमें मिला है $42,000। तो यही बोलता हूँ आपको, जितने जल्दी आप हो सके लाओ, अच्छा खासा आप टाइम बोनस लेकर जाओ, एक तरह से आप अपना इंसेंटिव मान सकते हो उसको। टोटल अपना हुआ $126,000, इतना अपने को इस ट्रेन से अपन ने निकाल लिया है, ठीक है। बाकी
एज ऑलवेज नो इन्वायरमेंटल डैमेज, मतलब कोई भी लीक्स नहीं हुए इस ट्रेन में। बिफोर वी पार्ट वे आई हैव वन मोर थिंग्स टू से, थैंक यू सो मच आप लोगों ने अपने वोटिंग को इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट रखा, बहुत सारे वोट्स FS22 को आए हैं एंड अपन FS22 सीरीज़ कंटिन्यू रखने वाले हैं विथ द डिरिल वैली सीरीज़। बहुत लोग को लग रहा है कि मैं सिर्फ FS22 खेलूंगा, डिरिल वैली नहीं खेलूंगा, ऐसा नहीं है भाई, डिरिल वैली में ज़रूर खेलूंगा। एंड FS22 की सीरीज़ की वीडियोस जो हैं, एपिसोड्स जो हैं, वो आपको सैटरडे संडे मिलते रहेंगे, बाकी के जो रेगुलर डेज है अपने वो अपन डिरिल वैली के कंटिन्यू रखने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइज शो योर सपोर्ट टू FS22, बहुत मस्त गेम है वो। अगर उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं देन एक या दो एपिसोड के बाद मुझे वो सीरीज़ एंड करनी पड़ेगी, बिकॉज देन इट्स नॉट वर्थ इट। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर दो दोस्तों को, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को टू नेवर मिस दिस काइंड ऑफ वीडियोस इन द फ्यूचर। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।